हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार फिर से आपके पास आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके, और बांग्लादेश सिटी के बारे में मैं कुछ ऐसे सच आपको बताऊंगा जो कभी आपने सुना नहीं होगा और ना ही आपको पता होगा, और साथ ही साथ कोलकाता सिटी के बारे में बताऊंगा जो अपने इंडिया के एक वक्त में कैपिटल हुआ करता था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम दिखाएँगे ढाका सिटी के बारे में, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह है बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका सिटी। ढाका बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित ढाका बांग्लादेश की राजधानी के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं ढाका शहर की शानदार सफर पर। शानदार सफर। गंगा डेल्टा के मैदान पर स्थित ढाका 270 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बांग्लादेश की राजधानी के साथ बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल हब भी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बंगाली भाषी शहर है। ढाका एक मेगा सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा है, और ढाका मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जो कि इसे दुनिया का सातवां सबसे घनी आबादी वाला शहर बनाता है। शहर का नाम ढाका इस क्षेत्र में होने वाले ढाक पेड़ से पड़ा होगा, या तो ढाकेश्वरी देवी के नाम पर से पड़ा होगा जो कि इस क्षेत्र की संरक्षक देवी है। ब्रिटिश काल के दौरान मलमल के व्यापार में इस शहर का काफी दबदबा था। भारत के विभाजन के बाद ढाका पूर्व पाकिस्तान की राजधानी बना और 1972 में स्वतंत्र बांग्लादेश की कैपिटल भी घोषित हुआ। पाकिस्तान की राजधानी भी हुआ करती थी। रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। एक समय पर यहाँ पर 10 लाख से भी अधिक साइकिल रिक्शा हुआ करते थे, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी संख्या काफी कम हो गई। इस शहर को सिटी ऑफ मॉस्को के नाम से भी जाना जाता है। ढाका अपने खान पान के लिए भी काफी मशहूर है। बिरयानी से लेकर कबाब और कई मिठाइयों के साथ अपने लजीज स्ट्रीट फूड के लिए ढाका काफी प्रसिद्ध है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस शहर में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा परिवहन का एक मुख्य साधन है। तरलापुर रेलवे स्टेशन ढाका सिटी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जंक्शन है। दिसंबर 2022 में ढाका मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया। बूढ़ी गंगा नदी के तट पर मौजूद सदर घाट बंदरगाह ढाका के लिए माल और यात्रियों को परिवहन के लिए सेवा प्रदान करता है। हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे बांग्लादेश का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो शहर के केंद्र से 15 किमी उत्तर में स्थित है। यह एयरपोर्ट दुनिया के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इंडिया की तरह बांग्लादेश में भी क्रिकेट काफी फेमस है। ढाका में मौजूद शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की मेजबानी करता है, और यह स्टेडियम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान भी है। यह शहर कई विश्वविद्यालयों का भी घर है। बांग्लादेश का सबसे पुराना और बड़ा विश्वविद्यालय ढाका यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मौजूद है। ढाका यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अब बात करते हैं ढाका में मौजूद कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले है ढाकेश्वरी टेम्पल। यह मंदिर 1200 साल से भी पुराना माना जाता है, जिसे मंगत राय ने बनवाया था। यह मंदिर शहर के हिंदुओं के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। उसके बाद है लालबाग किला। यह किला शहर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले की गैलरी में कई सारी कलाकृतियों के साथ पुराने समय की तलवारें और बंदूकें भी रखी गई है। इसके अलावा भी ढाका में आप कई सारी जगहों पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका सिटी। उम्मीद करता हूँ आपको। तो दोस्तों, आपने बांग्लादेश के बारे में देखा, अब हम आपको दिखाएंगे कोलकाता के बारे में कि हाँ, कोलकाता के कुछ सच ऐसे हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है कोलकाता शहर। पीली गाड़ियों से लेकर ट्राम और हावड़ा ब्रिज से लेकर दुर्गा पूजा इस शहर को खास बनाता है। दिल्ली और मुंबई के बाद यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर और पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। हुगली नदी के तट पर बसा हुआ कोलकाता वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की राजधानी के रूप में कार्य करता है, और एक समय पर यह पूरे भारत की राजधानी भी हुआ करता था। 1 जनवरी 2001 में इस शहर को आधिकारिक तौर पर कोलकाता नाम दिया गया। उससे पहले इसे कलकत्ता या तो कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। 206 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर में 1,50,00,000 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। वर्तमान समय में कोलकाता को पूर्व भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह मेगा सिटी पूर्व भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल, कॉमर्शियल और बिजनेस हब है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर मौजूद है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, यानी कि आनंदों का शहर। कोलकाता दुनिया के उन चंद शहरों में से है जहाँ पर आज भी ट्राम चलते हैं, और यहाँ की पीले रंग की टैक्सी भी इस शहर की स्पेशलिटी है, जो भारत के दूसरे इलाकों में काफी कम देखने को मिलती है। कोलकाता में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जिसे एडन गार्डन स्टेडियम कहा जाता है। कोलकाता अपने मीठे रसगुल्ले और मिष्टी दोहे की वजह से पूरे भारत में फेमस है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप पाव भाजी, काठी रोल्स, पुचका, लुची आलू जैसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में ही चलाई गई। कोलकाता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जो कि सिटी सेंटर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर में हावड़ा और सियालदह दो प्रमुख रेलवे स्टेशन है। कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। दुर्गा पूजा बंगाल का एक बड़ा त्योहार है। उन दिनों कोलकाता की सड़कों की रौनक देखने लायक होती है। इस शहर में मानव ज्ञान की गंगा बहती है। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद जैसे कई बड़े महानुभाव इस शहर की धरती पर जन्म ले चुके हैं। साथ ही आज के समय के अमिताभ बच्चन, अरिजीत सिंह, सौरव गांगुली जैसे कई बड़े नाम भी इस शहर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कोलकाता के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले है विक्टोरिया मेमोरियल। शहर के बीच में मौजूद यह मेमोरियल रानी विक्टोरिया की याद में बना एक स्मारक है। बाग बगीचों से घिरा हुआ यह मेमोरियल 64 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद है हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज देश का सबसे बड़ा और पुराना ब्रिज है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। प्रतिदिन इस ब्रिज से 1,00,000 वाहन गुजरते हैं। रात के समय लाइटिंग की वजह से यह ब्रिज काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इसके अलावा भी कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर, कॉलेज स्ट्रीट, बॉटनिकल गार्डन, तारामंडल, बिरला मंदिर, बेलूर मठ, साल्ट लेक सिटी जैसी कई सारी जगहों पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत का एक खूबसूरत शहर कोलकाता सिटी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका मेन वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।